this is my MS Access window. At the time when I am going to open MS Access, so there will be options like blank database, create using some database template. So anything, whatever I feel like to do. Say, since we are the freshers, पहली बार हम लोग उसको कर रहे हैं तो हम यहाँ पर इसको ब्लैंक डेटाबेस करके यूज कर सकते हो. अदरवाइज देयर आर सम टेम्पलेट्स आल्सो अवेलेबल. यू कैन सेलेक्ट एनी वन टेम्पलेट एज पर द नीड. द नेम ऑफ अ डेटाबेस इफ आई वांट एज ट्रायल, आई कैन गिव ट्रायल, दैट विल बी सेव्ड इन माय डॉक्यूमेंट फोल्डर. तो ब्लैंक डेटाबेस में क्लिक करके यहाँ पे नीचे आपने क्रिएट पे क्लिक किया. द डेटाबेस इज क्रिएटेड. डेटाबेस जो क्रिएट हुआ है उसके अंदर हम अलग अलग तरीके से टेबल्स क्वेरीज बना सकते हैं. सो अभी आई विल बी taking few methods to create table. Say this is my table. ID पे आप यहाँ पे आए, double click किया तो आप यहाँ पे ID type किया जैसे 1. यहाँ पे आओ, double click करो और इसका data type set कर दो. जैसे data type तुमने ले लिया suppose text, और text के बाद में जैसे name of the student. तो यहाँ पे तुमने नाम लिखा जैसे ही नीचे. You click down. And when you write name like Raman, so the field named name will going to have Raman as the value. अब जैसे मैंने वहाँ पे जब क्लिक किया था, so the name you specified is a reserve word. Reserve word having the specific meaning to the database. तो अगर हम कुछ एक reserve word type का कुछ देंगे, तो वो वहाँ पे उसको use नहीं कर सकता. ऐसे अब मैंने यहाँ पे दिया Raman. अब यहाँ पे मैंने लिखा Aman. अब देखो 1, 2, 3 अपने आप से जा रहा है. अब कोई नया रिकॉर्ड अगर देना चाहते हो तो यहाँ पे एरो पे आओ, नंबर पे आओ. अब नंबर पे आकर के जैसे तुमने यहाँ पे लिया एज, तो एज लाइक से आई वांट एज लाइक 61, एज लाइक 64, एज लाइक 35. तो ऐसे करके तुमने एज वगैरह स्पेसिफाई किया. कंट्रोल डब्ल्यू करोगे तो ये तुम्हारा टेबल सेव होगा. बाय डिफॉल्ट उसका नाम टेबल 1 है. जैसे यस में क्लिक करोगे तो तुमने जैसे नाम दिया रिकॉर्ड्स, तो ये टेबल डेटाबेस का क्रिएट हो गया. ये जो तुमने टेबल बनाया है, ये टेबल तुमने एक सैंपल लेकर के बनाया था, जिसको जो तुमको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मिला था. इसी टेबल को हम लोगों का डिजाइन व्यू से बनाते हैं. तो डिजाइन व्यू का मतलब यू बी क्लिकिंग अ डिजाइन व्यू. नाउ यू विल गिव द फील्ड लाइक RNO. तो डेटा टाइप इज सपोज ऑटो नंबर. डेटा टाइप इफ इट इज ऑटो नंबर, सो आई हैव सिलेक्टेड ऑटो नंबर हियर. नाउ अनदर फील्ड लाइक नेम. डेटा टाइप लाइक टेक्स. अब जैसे वही वाला एरर दे रहा जो पहले दे रहा था कि ये हमारा रिजर्व वर्ड हो जाएगा. अब आपको यहाँ पे अगर कुछ देना है तो उसका डेटा टाइप प्रोवाइड करिए. तो आई गिव डेटा टाइप लाइक टेक्स्ट. फील्ड्स हम लोग बाद में कवर करेंगे. अब जैसे मैंने यहाँ पे दिया एज. अब एज विल बी नंबर. डिफरेंस बिटवीन नंबर एंड ऑटो नंबर इज नंबर इंक्रीमेंट अपने आप से नहीं होता, ऑटो नंबर अपने आप से इंक्रीमेंट होता है. अब प्राइमरी के कंसेप्ट में बाद में बताऊंगा, बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ दिस टेबल आई कैन राइट क्लिक हियर एंड कैन मेक माय फर्स्ट कॉलम एज प्राइमरी की, सो दैट इट शुड हैव नो रिपीट एंड नो ब्लैंक. सूनर आई एम सैटिस्फाइड आई विल क्लिक एट कंट्रोल डब्ल्यू. यस, टेबल विल बी सेव्ड विद अनदर रिकॉर्ड नेम. अब ये रिकॉर्ड और अनदर रिकॉर्ड नाम के दो टेबल्स बने. आपको जिसमें एंट्री करनी है डबल क्लिक करो और उस पर एंट्री कर सकते हो. जैसे इस पे तो एंट्री है और इसमें एंट्री करने के लिए अलग अलग टेबलें बना सकते हैं. जैसे तुमने यहाँ पे नाम दिया तरुण, एज लाइक 25, एंड इफ यू विश टू ऐड अनदर कॉलम यू कैन ऐड फ्रॉम हियर. अदरवाइज इसी तरीके से नेक्स्ट नेक्स्ट करके रिकॉर्ड्स को यहाँ पे अपडेट कर सकते हो.